Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ में चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 को कम्प्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोगों को नया एक्सरसाइज स्टार्ट करना है 4.6। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उससे ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस एक्सरसाइज में क्या रहेगा, हमको लीनियर इक्वेशन देगा 2 वेरिएबल का 3 वेरिएबल का। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन में तो हमको बोलेगा कि उसका कंसिस्टेंसी चेक करिए, और कुछ क्वेश्चन बोलेगा उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम लोग एडजॉइंट सेट निकालते थे, ए इनवर्स निकालते थे, वो सारी बातें आपको आनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक एक बात को मैं डिटेल में कोशिश करूंगा बताने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक लिए एक डायरेक्शन दिया हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 1-6 में हमको कंसिस्टेंसी चेक करना है। बुक की भाषा में क्या बोल रहा है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1-6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हमको कंसिस्टेंसी चेक करना है कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंस हैं कि नहीं। और आप ये भी जान लीजिए, अगर वो कंसिस्टेंस होंगे तो उसका सलूशन बनेगा, और अगर कंसिस्टेंस नहीं है तो सलूशन नहीं बनेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बस यही देखेंगे कि कंसिस्टेंसी हम लोग इक्वेशन का कैसे चेक करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं, आपका सब बात को क्लियर करते जाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में देखिए दिया है, पहला जो लीनियर इक्वेशन है वो x + 2y = 2, और दूसरा है 2x + 3y = 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। वो कैसे ब्रेक करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन लीनियर इक्वेशन को ना ax + b के फॉर्म में लिखेंगे। अब उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से आप देखिए मैं जो बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट, ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेट गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कैन बी रिटेन एज, कैन बी, एक को मैं डिटेल में करा देता हूँ, कैन बी रिटेन एज ax = b। ये एक्सप्रेशन आपको एकदम याद रखना है। अब ax + b अगर आपको फॉर्म में लिखना है तो a क्या होगा, x क्या होगा, b क्या होगा, ये कैसे लिखते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। वेयर a, अब देखिए a मैट्रिक्स कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए, सिंस ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए, ये जो इक्वेशन रहेगा ना, इसके एलिमेंट्स को हम लोग पहले रो में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, x का मल्टीपल 1 है और y का मल्टीपल 2 है, तो पहले रो में हम लोग पहले इक्वेशन के मल्टीपल को लिखेंगे, दूसरे रो में दूसरे के लिए लिखेंगे। तो देखिए, ये 2 है 3 है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स ए लिखाएगा, आई होप समझ में आया होगा। फिर x है, x का मतलब जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक कॉलम में लिख लेंगे। तो वेरिएबल कितने, xy, तो x और y, ऐसे ये आपका x बन जाएगा। और जब आप b बच्चों लिखोगे तो b जो राइट हैंड साइड वाले जो नंबर्स रहेंगे ना, उनको हम लोग एक कॉलम में लिख लेंगे। तो ये 2 और 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। तो इस तरीके से ये लिखने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना रहेगा, मॉड ऑफ ए निकालना रहेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो तो आपको निकालने आता है। तो अगर हम लोग, मैं बोलूँ आपसे आप मॉड ऑफ ए बताओ, तो मॉड ऑफ ए तो निकालना बहुत ही आसान है। 2×2 ऑर्डर का सीधा 3×1 कर देंगे, माइनस 2×2 कर देंगे, और इसका वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। और आपको पता है कि -1 जीरो के बराबर नहीं होता है, यानी -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अगर मॉड ऑफ ए नॉन जीरो रहेगा तो वो जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मॉड ऑफ ए जीरो के बराबर होता तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर
ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहां पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बच्चों। देयरफोर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा करके लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं गिवेन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस, ये तो हमको चेक करना था ना, गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। बस इस तरीके से ये फॉर्मेट है, इस तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इक्वेशन दिया है 2x - y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज y = 4। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम पहले क्वेश्चन टाइप है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, मैं क्वेश्चन नंबर थ्री को करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर ये रहा, x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। देखने में तो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपके लिए छोड़ देता। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप करके देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, एक तरफ से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। प्रोसीजर सेम चलेगा, सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को ax = b के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो वो तो आपको लिखने आ गया है, तो वो लिख लेता हूँ मैं, वी कैन राइट Given equation in the form of कैसे लिखना है, ax = b, तीनों अल्फाबेट को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। अब ax भी आपको लिखने आ गया है तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, a कैसे लिखेंगे, पहले रो में लिखेंगे ना, तो 1, 3 है तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, भाई x का मल्टीपल 1 इसलिए 1 हो गया, ये 2 और 6 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ठीक है। x के लिए हम लोग को पता है कि वेरिएबल xy है छोटे में, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x और यहाँ पर लिख लेंगे y, और b भी लिखना मैं आपको बताया हूँ, जो राइट हैंड साइड वाले सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक कॉलम में लिख लेंगे, तो एलिमेंट कितना है 5 और 8, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, यही तो है। चलिए यहाँ तक तो आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोग मॉड ऑफ ए निकालते हैं, तो मॉड ऑफ ए चेक कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए = देखिए 6 1 = 6 - 3 2 = 6, अब ये हो गया 0। अब अगर 0 हो गया तो आप कैसे आप बोलोगे कि ये कंसिस्टेंस है कि नहीं कंसिस्टेंस है, तो देखिए अगर जैसे ही मॉड ऑफ ए आ गया, अगर वो 0 आ गया तो आप कंफर्म बता ही नहीं सकते हो कि वो कंसिस्टेंस है कि नहीं कंसिस्टेंस है, तो हमको एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा। अब वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं बोला था वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए जैसे मॉड ऑफ ए 0 आ गया तो ये तो कंफर्म अभी नहीं हुआ कि वो कंसिस्टेंस है कि नहीं कंसिस्टेंस है, लेकिन वो सिंगुलर मैट्रिक्स जरूर हो गया। अगर वो नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर है, अगर वो 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं देयरफोर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इतना तो बोल ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हमको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंस है कि नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों हमको एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ये मैं बेसिक्स की वीडियो में बताया था। तो अगर एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया तब तो बोलेंगे कि इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंस क्या है बताइए, मैं आपको बेसिक्स में बात को बता चुका हूं भाई, अगर 0 आ गया तो बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंस है, अगर वो 0 नहीं आया तो बोलेंगे कंसिस्टेंस नहीं, मतलब ये 0 आया है तो वो भी 0 आना चाहिए, क्या एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी, अगर दोनों 0 आएगा तो कंसिस्टेंस होगा, अगर वो भी नॉन 0, अगर ये 0 आ गया वो नॉन 0 आ गया तो इनकंसिस्टेंस है। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, मैं इसको आगे करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इस बात को लिख दिया जाए, नाउ वी कांट से अबाउट कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए इनटू बी. सो वी कंप्यूट क्या कंप्यूट करेंगे, एडजॉइंट सेट ऑफ ए इनटू बी. ठीक है, तो ए हमारे पास है, एडजॉइंट सेट आपको निकालने आता ही है, तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकाल के बी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए, एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालने आपको आता है भाई, ए मैट्रिक्स देखिए आपके सामने लिखा हुआ है. एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है भाई, a11 a12 a21 a22, ये निकालना पड़ेगा ना. तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ. तो a11, वैसे पुरानी बात है, आपको अच्छे से आनी चाहिए. अगर ए भाई नहीं आ रहा था, पहला रो पहला कॉलम ढकिए, ये 6 हो जाएगा. सिंस ये दोनों ऐड करने के बाद इवन नंबर है तो सामने प्लस रहेगा. ठीक है, a12 निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस लिख लीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये -2 हो जाएगा. ऐसे ही a21 निकालना होगा तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 हो जाएगा. ऐसे ही a22, आई होप ये आप सभी को निकालने आता होगा. ठीक है, अब यहाँ प्लस ही रहेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि एडजॉइंट सेट ऑफ ए बताओ, adj, तो adj ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले इसको लिखिए एलिमेंट्स को. तो ये हो जाएगा 1 1 वाले को पहले लिखिए, तो ये 6 और ये -2 और ये -3 और ये 1, और इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं. ट्रांसपोज के लिए डैश लिख देते हैं या टी लिख देते हैं. समझ में आ रहा है? तो इतना तो आपको आता है बच्चों, हमको पता है क्योंकि आप जानते हो. तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, adj ऑफ ए हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लिख लीजिए, तो हो जाएगा 6 -2 और -3 और 1. क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख लेते हैं. तो adj निकालना बहुत ही आसान था क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था. अब हम लोग एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी निकाल लेते हैं. यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न करता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए. चलिए, मैं पेज टर्न करके एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी को लिख दिया हूँ. तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए अभी हम लोगों ने निकाला ये था, और बी आपका ये है, आप जानती हो मल्टीप्लाई करने आपको आता ही है. पहले रो को उठाइए, पहले कॉलम मल्टीप्लाई करिए, तो 6 × 5 = 30 −8 × 3 = 24 भाई माइनस यहाँ पर था इसलिए मैं माइनस लिख दिया, पहले रो का काम हो गया. दूसरे को उठाइए, तो 5 × 2 = −10 और 8 × 1 = 8. इसको अगर आप बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 30 में से 24 करोगे तो 6 आएगा और यहाँ पर आपका −2 आएगा. तो इस मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट 0 होते तो ये 0 के बराबर हो जाता, और अगर सारे एलिमेंट 0 नहीं है तो हम ये 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो देखिए वहाँ पर हमारा मॉड ऑफ ए 0 आ गया, और यहाँ पर एडजॉइंट सेट ऑफ ए इनटू बी 0 के बराबर नहीं आया. अगर दोनों 0 0 आता तो ये कंसिस्टेंस होता, आप याद रखिए. अगर दोनों 0 नहीं आया तो ये इनकंसिस्टेंस है. तो हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आ गया, देयरफोर गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इज इनकंसिस्टेंट. समझ में आया बच्चों? तो अगर दोनों 0 आता तो कंसिस्टेंस, और एक 0 उधर आ गया और इधर 0 नहीं आया तो फिर ये इनकंसिस्टेंस. समझ में आया? तो दूसरे टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बता दिया. अब इस टाइप से जितने क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. अब हम लोग चलिए 3 × 3 ऑर्डर में मूव करते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. यहाँ पर अभी तक हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर 3 लीनियर वाला इक्वेशन है. तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, प्रोसीजर सेम चलेगा. ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, गिवन लीनियर इक्वेशन को ax = b के फॉर्म में लिखते हैं. तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन में डिटेल में लिख के आपको बता चुका हूँ. ठीक है, तो देखिए a कैसे लिखते हैं, पहले इसको कैसे लिखता है, ax = b के फॉर्म में लिखते हैं, यही ना. तो a का मतलब क्या होता है, वेयर करके लिख लीजिए, वेयर. आप डिटेल में लिखोगे, मैं हर क्वेश्चन में डिटेल में नहीं लिखूंगा. ठीक है, तो a के लिए क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1. b के लिए 2 3 2, तो 2 3 2, और
तीसरे के लिए ए ए और टू ए, ए ए और टू ए, ऐसे हो जाएगा नंबर्स की जगह यहाँ पर अल्फाबेट दे दे, लेकिन ये भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, वहाँ पर दो था तो एक्स वाई लिख रहे थे, यहाँ पर तीन है तो एक्स वाई जेड लिख देंगे, तीन वेरिएबल है तो, ठीक है। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए वन टू फोर, तो वन टू फोर इस तरीके से हमारा ये हो गया। मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए निकालने आपको आता है तभी तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि कंसिस्टेंस है कि नहीं, तो मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है, आपको निकालने आता है, पहले वन को लेंगे, तो अगर वन को अगर आप लेते हो तो ये कॉलम, ये कॉलम सॉरी और ये रो ढकोगे तो थ्री टू जा सिक्स ए माइनस टू ए हो जाएगा, यही ना। फिर माइनस वन लिखते हैं सेकंड के लिए, अब ये रो और ये यानी ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको ढकते हैं, ये निकालने आपको आई हो पाता होगा, ठीक है। तो ये ढक लो तो टू टू जा फोर ए माइनस टू ए, प्लस वन करेंगे तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो टू ए माइनस थ्री ए, टू ए माइनस थ्री ए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए तो सिक्स में से टू जाएगा फोर ए, यहाँ पर देखिए प्लस टू ए आएगा लेकिन ये माइनस कर देगा तो ये माइनस टू ए हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, भाई टू ए में से मैं करूँ माइनस ए हो जाएगा। कैलकुलेट फर्दर करिए तो थ्री हो जाएगा, यानी हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा, यही आएगा ना। और ए क्या जीरो के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर यहीं पर जीरो के बराबर ही नहीं है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंस है, फिर आगे हमको बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। सो गिवन, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज फॉर्म अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और ये गिवन लीनियर ऑफ मतलब गिवन थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वो क्या है, कंसिस्टेंस है। समझ में आ रहा है बात, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फाइव है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वही कंसिस्टेंसी चेक करना था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन और से लेकर के सिक्स तक के लिए डायरेक्शन सेम है, तीन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कुछ गायब कर दिया, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स का टर्म नहीं है, यहाँ पर जेड का टर्म नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना है, सॉरी, तो वी कैन राइट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी गिवन लीनियर ऑफ इक्वेशन कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, आप थोड़ा सा डिटेल में लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए वेयर, यहाँ पर ए क्या होगा बताओ आप, बहुत सारा क्वेश्चन में मैं आपको बता दिया लेकिन कुछ गायब हो गया एलिमेंट, तो आपको डरना थोड़ी ना, मैं बता रहा हूँ ए का मतलब यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, थ्री माइनस वन माइनस टू होगा, यही होगा ना, तो लिख लो थ्री माइनस वन माइनस टू। अब यहाँ पे आपको भी टेंशन नहीं लेना है, जो वेरिएबल गायब है उसका मल्टीपल जीरो होता है, तभी तो गायब हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए एक्स नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, वाई तो है वो टू है, और जेड जो है वो माइनस वन है। समझ में आया कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स थ्री है, वाई माइनस फाइव है, ठीक है, जेड गायब है, जेड को जीरो लिख लो, बन गया काम अपना, ठीक है, यही तो होगा ना, यही होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग x लिख लेते हैं, x तो लिखना बहुत ही आसान है, एक्स वाई जेड ही हो जाएगा, तो x y z। चलिए b लिख लूँ मैं, b कितना हो जाएगा बताइए, तो b इज इक्वल्स टू टू माइनस वन, टू माइनस वन और थ्री, ये तो लिखने आपको आता है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगले स्टेप में हमको क्या करना, मॉड ऑफ ए निकालना है, सबसे पहले तो वही चेक करते हैं, तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं,
तो मोड ऑफ ए निकालने आपको आता है, ठीक है। मैं पीछे साइड से देख करके लिख रहा हूँ, आप भी वहीं से नोट करिएगा कैसे निकालते हैं। तो ये है थ्री है, मैं चलिए नोट कर लेता हूँ इसको डायरेक्ट, क्योंकि बैक साइड से मेरे को देख के करना है तो टाइम लगेगा, आप भी खुद से निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो निकालने आपको आता है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से मैं मॉड ऑफ ए निकाल लिया और ये क्या क्या जीरो के बराबर आ गया। तो जीरो के बराबर आ गया तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर आप बोल सकते हो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये कंसिस्टेंस है कि नहीं कंसिस्टेंस है। उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एडजॉइंट सेट ऑफ ए इनटू बी, सो वी कांट से अबाउट कंसिस्टेंसी, सो वी कांट से अबाउट कंसिस्टेंसी। ये तो आपको पता ही है क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। फॉर दिस वी हैव कंप्यूट, फॉर दिस वी हैव टू कंप्यूट, सॉरी वी हैव कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, ए जॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी। और अगर ए जॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी क्या गया, वो भी जीरो आया आ गया, तब तो कंसिस्टेंस होगा। अगर ये जीरो नहीं आया तो कंसिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एडजॉइंट सेट ऑफ ए मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। एडजॉइंट सेट ऑफ ए तो आपको निकालने आता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैं इसको डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा बचेगा, ठीक है। निकालने तो वैसे आपको आता है। चलिए बच्चों, मैं एडजॉइंट सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स को मैं निकाल लिया हूँ, तो अब मैं एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालता हूँ। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो एलिमेंट्स उसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये माइनस फाइव होगा, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये माइनस थ्री, आई होप ये सारी बातें आपको करने आती हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग बहुत डिटेल में सब सीखे हैं। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है भाई, तो आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकल जाएगा। ट्रांसपोज करिए तो माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, रो को कॉलम में लिखते जा रहा हूँ। टेन, सिक्स, ट्वेल्व, फाइव, थ्री एंड सिक्स, हो गया एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकल गया। अब क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकल गया तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए फिर से यहाँ पर लिखिए, माइनस फाइव टेन, फाइव माइनस थ्री सिक्स थ्री। कैलकुलेशन भाई बहुत सावधानी से करना है कि कहीं पर भी गलती ना हो, क्योंकि गलती होगा तो फिर हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। सॉरी इनटू बी है ना, इनटू करना है बी, बी में बी तो हम लोग लिख ही चुके हैं, बी मैं लिख लेता हूँ पीछे से देख करके। बी हमारे पास था टू, माइनस वन और थ्री, यही था ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं गलती ना हो। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ पीछे से, जी हाँ बिल्कुल यही था, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाइए। फाइव टू जा माइनस टेन, टेन में माइनस वन का करोगे तो ये भी माइनस टेन, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ऐसे ही दूसरे को करिए। सिक्स टू जा माइनस सिक्स, सिक्स ये माइनस सिक्स हो जाएगा, और थ्री थ्री जा प्लस नाइन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तीसरे को करिए, सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व, और ट्वेल्व वन जा माइनस ट्वेल्व, और सिक्स थ्री जा एट्टीन, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपको मिलेगा माइनस फाइव, ये आपको मिलेगा माइनस थ्री, और ये मिलेगा माइनस सिक्स। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो क्या ये जीरो के बराबर आया, नहीं आया भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अगर दोनों जीरो आता तब तो कंसिस्टेंस होता, लेकिन उधर जीरो आ गया, ये जीरो नहीं आया, तो ये कंसिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं लिख दूँ, लास्ट में हम लोग लिखते हैं, सो गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जितने टाइप का क्वेश्चन था मैं सब क्वेश्चन आपको बता दिया,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए वो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट आपका सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पर आपका मॉड ऑफ आई थिंक जीरो आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप करोगे तो डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आई होप जो भी मैं क्वेश्चन साहब आपको समझाया हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अभी तक मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला, शायद भूल गया, लेकिन अब मैं बच्चों बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को तो चेक करेंगे करेंगे पहले, तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व करते वो देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।